पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा संबलपुर के जमानकीरा में 96.4 मिलीमीटर दर्ज की गई। उसके अलावा तीन जगह हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया। सीवियर हीटवेव रियलाइज जिसमें झारसुगुड़ा, केवंझर और मयूरभंज में आइसोलेटेड प्लेस में सीवियर हीटवेव कंडीशन भी प्रिवेल हुई है। उसके अलावा नौ जगह पर हीटवेव रही है, बालासोर, अनुगुल, संबलपुर, सुंदरगढ़, बुलांगी, बोध, सोनपुर और नुआपाड़ा में। हाई टेम्परेचर बारीपदा का 43.8 डिग्री से दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर का तापमान 37.8 और कटक का 38 डिग्री से दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली कोई सिंगल वेदर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से कोई जो आस पड़ोसी वेदर सिस्टम उसकी वजह से उड़ीसा पे बारिश हो रही है। डे वन के फोरकास्ट की बात करें तो डे वन में हमारा साउथ कोस्ट उड़ीसा और साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना है और आपका जो इनगवर इंटीरियर उड़ीसा है वहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस है, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 16 तारीख को डे वन में बोलांगीर, बारगढ़, सोनपुर, बोध, अनुगुल, केवंझर, मयूरभंज, डेंटवा ये सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पर हीट वेव होने की संभावना है, जिसके से येलो वार्निंग दी गई है। और हमारा जो नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के वहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बनी रहने की संभावना है। 17 से 19 तारीख तक जो है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन पूरा कोस्टल उड़ीसा में बनी रहने की संभावना है। डे वन में झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, अपना कोस्टल उड़ीसा और रायगढ़, कलाहांडी और पद्मकहानी इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए और गस्ती सर्विस 30-40 के बीच पहुंचने के लिए। डे टू में भी मयूरभंज, केवंझर, खुर्दा, पंजमी, कंधमाल, कलाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकनगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में गस्ती स्पीड 30-40 के बीच रहने की संभावना है और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है। इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है 17 तारीख को। 18 तारीख को भी लगभग आपको साउथ उड़ीसा पूरा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा, मयूरभंज, केवंझर, अनुगुल, ढेंकनाल इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना की वजह से और गस्ती सर्विस 30-40 के बीच रहने की संभावना है। 19 तारीख को भी हमारा लगभग साउथ उड़ीसा पूरा झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज यहाँ पर भी आइसोलेटेड प्लेस में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है और यहाँ गस्ती विंड स्पीड 30-40 के बीच रहने की संभावना है। डे फॉर यानी 20 तारीख को आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर रेनफॉल होने की संभावना है। बीच में उसमें बारगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़ ये तीन चार डिस्ट्रिक्ट शामिल है, झारसुगुड़ा ये डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा जो है येलो वार्निंग है आपका नॉर्थ उड़ीसा पूरा, नयागढ़, खुर्दा, पुरी, गंजम, भोजपुरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में गस्ती 30-40 के बीच रहने की संभावना है और आइसोलेटेड प्लेस से थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। इसकी वजह से टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो टेम्परेचर में अगले 3 से 4 दिन तक ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। उसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेंगे